हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी, अक्सर जब कभी घर में सब्जियाँ ख़त्म हो जाती है और उसी टाइम घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं, तो ऐसे टाइम आप बना सकते हैं स्टफ अनियन की सब्जी। इस सब्जी को भरवा प्याज की सब्जी भी कहा जाता है, बहुत लोग इसे बेबी अनियन की सब्जी भी कहते हैं। इस अनियन की सब्जी को आज हम बनाएंगे बहुत ही अलग तरीके से। इसको खाकर कोई कह भी नहीं सकेगा कि आपने इसे घर में बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही लाजवाब होगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ले रही हूँ मैं छोटे छोटे से अनियन, जिसे मैंने इस तरह से काट कर बीच में से कट लगा लिया है। मैंने यहाँ पर 10 से 15 छोटे प्याज लिए हैं। ये 6 मेंबर्स के लिए सब्जी बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक पैन, उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून राई जीरा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसी हुई अदरक। आप चाहो तो यहाँ पर लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लहसुन का फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत बढ़िया लगता है। अब इसके अंदर जाएगा प्याज, तो यहाँ पर मैंने 1 कप प्याज को बारीक बारीक काट कर ले लिया है। ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते करेंगे ऑयल के अंदर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर नमक। नमक आप कम या ज्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक इसे ऑयल रिलीज नहीं होने लगता तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए। याद रखिए, मसाले डालने के बाद हमें फ्लेम को थोड़ा लो करना है, नहीं तो मसाले बहुत जल्दी से जलने लग जाते हैं। तो ये देखिए ऑयल छूटने लगा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर मैंने 1/2 कप टमाटो प्यूरी ली है, यानी कि एक बड़े साइज का टमाटर मैंने ग्रेट कर ले लिया है। टमाटर की प्यूरी डालने के 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही लिया है अच्छे से फेंट कर। याद रखिए दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी सब्जी खट्टी बन जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटो प्यूरी भी इस्तेमाल की है। तो दही हमेशा आपको फ्रेश ही लेना है। दही डालने के बाद कंटिन्यू चलाते जाइए, नहीं तो दही फट सकता है, या फिर आप इसे 2 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ कर भी इसे बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। ये जो मैंने दही लिया था उसी को बाउल को हमने धोकर इसके अंदर डाल दिया है। अब सब्जी में बॉईल आना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे अनियंस। तो ये देखिए हमने सारे अनियंस इसके अंदर डायरेक्टली डाल दिए हैं। अच्छे से 1 से 2 बार हम इसे मिक्स करेंगे। जब इसमें अच्छे से बॉईल आना शुरू हो जाए तो हम इसके ऊपर लगा देंगे लीड और इसे हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है और जो अनियंस है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से मसाले इसके अंदर जा चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी को मैं इस तरह हाथों में क्रश कर डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा आए। कसूरी मेथी डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए तैयार है हमारी स्टफ अनियन की सब्जी बनकर। तो लीजिए हम फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग बाउल के अंदर। सिर्फ 10 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार होती है और है ना ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी। तो अब आप जब भी कभी अनियन की सब्जी बनाना चाहो तो इस तरीके से बनाइए और हमें कमेंट्स कर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारे रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।